अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज दानिश उमरो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोर फॉर ए डॉट पीके। गाइस, अपने चैनल में मैंने कुछ ब्रांडेड फोन्स की वीडियोस बनाई थी, जैसे कि शार्प एक्वास R2 XZ3। सो उसमें से एक शार्प एक्वास R2 है, किसी जो है मेरे अपना फॉलोअर ने डिमांड की है कि उसकी गेमिंग टेस्ट हमें दें, और एक ने नहीं, बहुत से लोगों ने किए कि एक्वास R2 का आपने रिव्यू दे दिया, काइंडली हमें गेमिंग टेस्ट दें। सो खास करके उन्होंने बोला कि पबजी टेस्ट दें, तो सो आज हम वही एक्वास R2, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये फ़ोन जापान से इम्पोर्ट होकर आते हैं, 845 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आते हैं और बहुत ही कम प्राइस में चल रहे हैं, 16-17 हज़ार के प्राइस में 4GB 64GB 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है इस फ़ोन में, और कह सकते हैं कि 15-16 हज़ार की रेंज में सारे फोन्स का बाप है ये 4GB 64GB 845 स्नैपड्रैगन। सो आज हम इसका बेसिकली गेमिंग टेस्ट करने जा रहे हैं, और ख़ास करके जो गेम पबजी है उसका टेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें क्या ग्राफिक्स आते हैं और क्या इसकी स्पीड है और कैसे प्ले होती है और कैसे लैग होती है, क्या मींस कि आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। उससे पहले इंट्रो। सो गाइज, सबसे पहले इसको जो है अपना हम ऑन करते हैं कि ऑन में कितना टाइम लेता है, टाइमर लगा के चेक करवा दूं मैं आपको। अब ये मैं गेमिंग टेस्ट में सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे कि कितनी टाइम में जो है ऑन हो रही है। सो लेट्स ऑन टर्न ऑन, दोनों को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जो है अपना लोड हो गई, 27-28 सेकंड्स में लोड हुई है, और ये हम गेम के इनर आ गए हैं, और यहाँ से इसके टच का फील, 120Hz वाला फील आपको मैं फील करवा दूँ। इसमें ये क्लेम करती है कंपनी कि हमारा पबजी जो है 90 FPS में रन होता है, ग्राफिक्स में शो नहीं कर रहा। पहले हमने सेटिंग्स कुछ ली थी जिसमें ये शो कर रहा था, बट अब नहीं कर रहा है। तो देखते हैं अंदर जो है इसमें ग्राफिक्स क्या आते हैं सेटिंग्स में। सो स्मूथ एक्सट्रीम तक जा सकता है, बैलेंस्ड पे भी जा सकता है, HD, HDR और अल्ट्रा HD नहीं जा सकता। तो यहाँ तक इसके मैक्सिमम ग्राफिक्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। अब हम जा रहे हैं कि गेम की तरफ, कि ये गेम जो है अपना कब लोड होती है और कितने टाइम में लोड होती है। सो हम TDM खेलेंगे इसमें। भाई देखिए, ये मैं जो है कितनी देर में हो रहा हूँ, और देखिए लोडिंग की स्पीड आपके सामने है। जब तक ये इन हो जाऊँ तब तक ये टाइमर मैंने ऑन कर दिया, ये इन हो गए, 12 सेकंड्स में हम इन हो रहे हैं गेम में। सो अब स्टार्ट हो जाए गेम। बिलीव मी गाइस, मैं जब ये चला रहा हूँ उसका टच और ये, तो मैंने इतने सारे फोन्स अनबॉक्स किए हैं अपना 20-25,000 के, 30,000 के फोन्स, लेकिन ये टच और फील जो है मुझे नहीं मिला जिस तरह से इसमें गेम चल रहा है। What's your time no more? Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? तो गाइज, ये था इसका गेम प्ले, और बिलीव मी इसका गेम प्ले जो है बहुत अच्छा था, और आपने देख लिया कि बिल्कुल लेटेंसी इसकी और लैगिंग और इसके टच और इसके फील बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मींस के अपना इस रेंज में बेहतरीन फ़ोन है, अगर गेमर्स जो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैवी फोन्स, सो उनके लिए बेस्ट है ये फ़ोन फॉर द गेमिंग।
सो गेमिंग टेस्ट इज देयर, आपने चेक कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कंपैरिजन करेंगे दो दूसरे ब्रांडेड फोन से, और इसका मैं वीडियो प्ले भी दिखाऊंगी। इसका वीडियो प्ले भी आपको जो जितने फोन है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वीवो या ओप्पो 25-26 हज़ार की रेंज में आपको जो मॉडल मिल रहे हैं वो 1080 नहीं है, और ये मैं दिखाता हूँ कि इसकी वीडियो प्ले कहाँ तक जाती है, 1080 तक जाती है या नहीं। अच्छा, सो गाइस देखें, ये 2160 तक HDR तक वीडियो प्ले करेगा। आप दूसरे फोन जो आते हैं बॉक्स पैक, अगर आपको 20 हज़ार की रेंज में भी ये 2160 HDR में वीडियो प्ले कर दे कोई फोन, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बस इसका एक ही ड्रॉबैक है, बैटरी थोड़ी कम है, 3,320 अगर आप पावर बैंक मैनेज कर सकते हैं और इस तरह से। सो इसकी वीडियो प्ले क्वालिटी आप देख लें, इट्स वेरी क्वाइट गुड रिजल्ट। अभी मैंने इसको HDR पे रखा है 1080 ताकि जो है वीडियो प्ले हो जाए। सो इसके लिए हैवी इंटरनेट चाहिए, हैवी ग्राफिक्स के लिए। सो गाइज ये रिजल्ट आपके सामने। सो इतने पैसों में मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा फ़ोन है, और ये था हमारा पबजी टेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद कंपेरिजन ऑफ विद अदर फोन विद अदर गैजेट्स। और अब दिस इज दानिश सुमरो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोरोना से बचिएगा, मास्क ज़रूर लगाएं, SOP ज़रूर फॉलो करें, और मेरी दुआएं आपके साथ है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।